तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह मैं आज रेडी होके आ गया हूँ। बहुत दिन के बाद मैं सुबह सुबह आप लोगों से मिल रहा हूँ। तो अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, देखो रेडी हो गया हूँ। ठीक है, तो आज ब्रेकफास्ट में क्या मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, वेट, ब्रेकफास्ट में क्या आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, एक बार बाहर लेके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, ब्रेड ऑमलेट। तो ये खा के मैं जल्दी जल्दी निकलूँगा अब ऑफिस के लिए। ठीक है, तो आज के ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, जो जो होगा मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 4 hours later. तो गाइस मैं अभी ऑफिस से आ रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कपड़ा तो कुछ और पहना था, अभी और कुछ पहन लिया। मेन बात है मैक्स का ग्रूमर आया हुआ था तो उनको हेल्प करने के चक्कर में कपड़ा चेंज करना पड़ा और ये ले लिया। जो बहुत गर्मी है गाइस, बीच बीच में बारिश होता तो थोड़ा आराम मिलता है, अब ये फिर गर्मी वापस आ जाती है। तो गाइस देखो आज का लंच मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ब्लॉग देखते हुए खा रहे हैं, रोड राइडिंग ब्लॉग है। तो गाइस हम लोग मैक्सू को छोड़ के उड़ीसा जा रहे हैं। बाय मैक्सू, बाय मैक्सू, हम लोग जा रहे हैं। किशु ट्यूशन जाएगा। बाय बाय मैक्सू, हम लोग जा रहे हैं उड़ीसा। तो गाइस मम्मी और मैं जा रहे हैं कल जहाँ से नाइटी लाई थी मम्मी, वो दुकान से फिर से नाइटी लेने आ रही है क्योंकि सस्ते में मिल रहा है। सही पकड़े हैं। तो चलो वो वाला दुकान आप लोग को दिखाता हूँ, जो लोग कोलकाता से वो लोग जाके वहाँ पे खरीदेंगे। वो हम देख रहे हैं और कुछ होगा तो इसका पास खड़ा। गाइस देखो अभी हम लोग जा रहे हैं, छोड़ दीजिए 10 मिनट पहले। उसे पापा क्या रिचार्ज करना थे, बिंदु भैया का फोन किया था, बोल रहे थे रिचार्ज कर देना उसको। ठीक है, पीछे पापा भी है, मम्मी भी है। आप ये करो, पैसा गुल्लू को भेज दे, पुन्नू को भेजो, पुन्नू करेगा। पुन्नू बोल रहा है मेरे को पैसा भेजने से क्या हो। ये मैक्सू का दुकान, यहाँ से हम लोग दवाई वगैरह लेते हैं। ऑपोजिट में आपका SBI बैंक। देखिए कौन कौन ने लो, यही मैक्स सीटा, यही 90, यही 90 और सीटा। ना तो मैं इटा ने लो, पसंद है ला। हाँ, मो बैंक किसी ना बनी। मो पे चौड़ी ने ने। गाइस देखो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑपोजिट में, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑपोजिट में है दुकान। छोटा दुकान है पर बहुत ही अच्छा चीजें रखते हैं ये लोग। तो गाइस मैं बाजार से आ चुका हूँ और आज आप लोग को मैंने बोला था कि एक स्पेशल रेसिपी, कोलकाता का फेमस डिश का रेसिपी शेयर करूंगा। तो आज मैं बना रहा हूँ चिकन चाप। तो ये है इंग्रेडिएंट जो कि लगेंगे, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं आपको बाद में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पे क्या क्या मैंने लिया मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये है प्याज, हरी मिर्ची थोड़ी सी कम है, मैंने मंगवाया अभी आ रहा है। और ये है मगज, ये है काजू, और उसके साथ है दही, और ये है इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो फ्रेशली ऐड कर सकते हैं, फ्रेशली मतलब चॉप किया हुआ, बट ये मेरा घर पे हर टाइम बनाया हुआ रहता है तो मैं उसी को ऐड कर रहा हूँ। गाइज आप लोग लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, मेरे को बहुत रोना आ रहा है। अभी जो प्याज काटा ना, मेरे आंख से एकदम पानी निकाल दिया प्याज ने। रेसिपी क्या शेयर करूंगा, मेरे आंख से मतलब ऐसे पानी निकल रहा है, लोग को लग रहा होगा मैं सच में रो रहा हूँ। तो गाइज देखो, तो अभी मैंने जो है कढ़ाई में ऐड किया है आपका गोटा गरम मसाला, ठीक है। तो इसमें दालचीनी, इलायची, जीरा और जो जो बिरयानी का मसाला है वही मैंने एक पैकेट मंगवा लिया था 10 रुपए का, उसी को भी मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है।
तो गाइस यहाँ पे देखो मैंने तेज पत्ता ले लिया और इसमें तेल डाला है, रिफाइन ऑयल है, ठीक है। तो अभी मैं इसमें जो है ऐड करूंगा जो मसाला मैंने पीसा था। उससे पहले मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, पाउडर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यह है कश्मीरी चिली। अभी हमको इसे पकाना है अच्छे से, ठीक है। अभी हम इस मसाले को अच्छे से पकाएंगे और फिर इसके बाद इसमें चिकन को मैं ऐड कर दूंगा। देखो गाइस अभी मैंने जो है चिकन को ऐड कर दिया है, जैसे कि अभी ग्रेवी पका नहीं है पर फिर भी मैंने चिकन को जो है ऐड कर दिया है पूरे ग्रेवी में। अभी इसको स्लो कुक होने के लिए मैं छोड़ दूंगा। 20 minutes later। तो गाइस देखो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसा बना है। देखो गाइस पूरा का पूरा चिकन जो है कुक हो चुका है और ऑयल जो है रिलीज कर दिया है, ठीक है। और कितना ऑयल है देखो, एकदम रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। और नीचे से हल्का हल्का लगा नहीं है, एकदम लो फ्लेम में रखना है गाइज आप लोगों को और इसी में कुक करना है, ठीक है। तो अभी जो ये पक गया है इसमें थोड़ा सा अतर वगैरह मैं ऐड करूँगा। तो गाइज ये है केवड़ा वाटर, ठीक है, और उसके साथ साथ है मीठा अतर, टिक्का का मीठा अतर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है मैं अभी चिकन में ऐड कर दूंगा। तो गाइज देखो फाइनल रिजल्ट, ठीक है, बहुत ही इजी रेसिपी है। और ये ऊपर से काला काला आपको दिख रहा होगा, ये प्याज मैंने डाला है, मतलब बेरस्ता बना के प्याज को अगर आप फ्राई करेंगे तेल में, उसके बाद वो थोड़ा सा मतलब तेल में बहुत हाई फ्लेम में फ्राई करके उसके बाद जैसे बिरयानी में डाला जाता है, कैरमलाइज ओनियन जिसे बोला जाता है, बट इसमें कैरमलाइज नहीं किया जाता, जस्ट फ्राई किया जाता है। तो ये पराठा के साथ मैं खा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो तो ये बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है, आपको बस सब कुछ पेस्ट करके चिकन के साथ स्लो कुक पे रख देना है। तो ये कोलकाता का बहुत ही फेमस डिश है, बिरयानी के साथ खाया जाता है, पराठे के साथ खाया जाता है। तो मैं ये लच्छा पराठा लेके आया हूँ तो उसी के साथ खा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो गाइस मैं अपना डिनर कर लेता हूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ। गाइस पापा को देखो कुछ हो गया, गुगू जल्दी आओ जल्दी आओ, मैं सो गया, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, गुगू आजा, पापा को क्या हो गया, पापा पापा डॉगी अलग ही है, कोई भाव ही नहीं दे रहा है। मैक्सू पापा बुला रहे, पापा बुला रहे हैं, मुंडी क्या हिला रहा है मैक्सू? आप क्या कर रहे थे इधर, आप ऐसे सो के क्या कर रहे थे? थोड़ा देख रहा था मैक्सू को चिकन खिलाया, वो मेरे लिए क्या करता है, उठ के ना पुट के आएगा आपके लिए, देख देख रहा है, बोल रहे मैं पागल नहीं हूँ पापा। गाइस खाना पीना हो गया, आज का ब्लॉग जो है मैं पे एंड करता हूँ। और ज़्यादा कुछ खाने दिखाने को एक अच्छा सा रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है। तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा मेरा ये रेसिपी, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।